सबसे पहले नंबर पे अभी ये हमारा जो चल रहा है इस पे हम डेली मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे, लेट्स क्विक रिव्यू, कि अभी हमने 20-22-25 दिन में, महीने भर में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले नंबर पे जो ये स्कीम है, इसका नाम नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए कहीं से, PMFME स्कीम है। इसी पे वर्क स्टार्ट है, इसी के ऊपर सारी चीजें स्टार्ट हो रही है, चल रही है। ये क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे इसको, कि भारत केंद्र सरकार द्वारा देश की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, जिससे वापस ढर्रे पर लाने के लिए केंद्र सरकार अलग अलग योजनाएं ला रही है। इसी तरह एक योजना है PMFME स्कीम, यानी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से है, ठीक है। ये क्या है, पहले नंबर पे समझ लेंगे ये क्या है, यहाँ पे आपको कैसे हेल्प होगी। तो ये जो स्कीम है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है। इसमें क्या है कि इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करती है जो लोग उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है इसमें। मतलब आप अपना बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें अनुदान बोलते हैं। अनुदान का मतलब होता है जो पैसा आपको वापस नहीं करना, ठीक है। अनुदान का मतलब है, आवाज नहीं आ रही है, टेंशन ना लिया कीजिए। मैंने 200 बार कहा है कि आवाज के लिए रिकॉर्डिंग रहती है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, पोर्टल पे आप अपने आप को एनरोल कर दीजिए, वहां पे सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, ठीक है। नहीं तो पर्सनल मैसेज करिए मुझको, मैं रिकॉर्डिंग और एक और चीज, ये सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। यूट्यूब चैनल को आप लोग तो सब्सक्राइब करके भूल गए हैं, वहां पर भी है, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, बिजनेस मीटिंग करके, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा अगर दिल करे तो, वहां से भी आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो पहले नंबर पे यहाँ पे ये समझ में आ गया क्या है क्या नहीं, इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें अभी मैं लाइव सारी चीजें करके दिखाऊंगा। मुनाफे की गारंटी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुद खोल सकते हैं आप अपने यहाँ पे, आप ये सारी चीजें खुद अपने यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही हम बात करेंगे इसमें। फूड प्रोसेसिंग कारोबार बना सकता है देश के किसानों को आत्मनिर्भर। अब यहाँ पे हमको दो चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सारा हेडेक मेरा, सारा सरदर्द मेरा, पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा पका पकाया, आपको सिर्फ खाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए अभी मैं थोड़ी सी एक वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो जुड़ के काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो आइडिया थोड़ा सा आपको आएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। लोग जहां पे घर में रहना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जो लेडीज हैं जिनके पास ग्रुप्स हैं, इसमें दो तरीके से काम हो सकता है बहुत अच्छे से। 10 लाख रुपए तक आपको पैसा मिल जाएगा अनुदान, 32%, 32% आपको भारतीय फूड। अभी मैं वेबसाइट वेबसाइट सारी चीजें शो करूंगा, ठीक है। कल रहेगी छुट्टी, अभी थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा भी और एक चीज और है कि एग्जाम्स आ गए हैं बोर्ड के, अपने कॉलेज भी हैं, आप लोग को पता ही है, स्कूल कॉलेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे बोर्ड के एग्जाम्स हैं। अब बोर्ड के एग्जाम में बहुत सख्ती हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं, अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है कुछ भी, क्यों, क्योंकि नकल अकल नहीं हो पाती है सुविधा। अपने यहाँ पे पहले क्या था कि आपको सारी हेल्प होती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही, अब बहुत सख्ती है, तो इस वजह से फोन नहीं रिसीव कर पाता। जितनी देर कॉलेज रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होती है, वही रिसीव हो पाती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि मार्च है, क्लोजिंग होती है, एंडिंग है भाई, तो इसमें केस बहुत लगे हुए हैं अपने पास, जो क्लाइंट है तो उनकी लास्ट डेट है, तो उनकी लास्ट डेट भी करना पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, ITR फाइल करना पड़ता है, बहुत बहुत काम होता है, मैं सारी चीजें आपके सामने रख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो फोन रिसीव नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं पहले से आपसे माफी मांगता हूँ और सारी चीजें अग्री करता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्या है, यहाँ पे दो चीजें समझे, पहले नंबर पे तो है खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत इसको समझ लेंगे कि ये है क्या चीज, क्योंकि अधिकारी को जब मैं आपके यहाँ पे भेजूंगा, जब सर्वे वो करने आएगा तो वो आपसे पूछेगा, बात करेगा, देखेगा, कौन
कौन कौन सी इसमें क्या क्या चीजें होंगी, हम ए टू जेड फुल डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम जो भी बात कर रहे हैं उनके नोट्स बना लीजिएगा, कल का दिन गैप रहेगा, परसों हम 4 घंटे का इसका पूरा वर्कशॉप सेमिनार वेबिनार लगातार करेंगे, संडे को मॉर्निंग में ही मैं कर लूंगा, ठीक है? टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा तो उसमें जुड़ जाइएगा। 4 घंटे का हम उसमें लाइव सेशन करेंगे फुल डिटेल में, 4 से बढ़ भी जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, 8 8 10 10 घंटे सुबह से लेकर रात तक संडे वाले दिन मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा बिजी रहूंगा दो दो 4 दिन, क्योंकि मार्च है, एंड है, बोल दिया है, ठीक है? तो जो लोग जुड़ना चाहते हो वो लोग जुड़ जाएं और इस काम में जुड़ जाएं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है वो समझेंगे, बाकी मैं क्या करूंगा वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ये इसको समझ लिया, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या चीज होती है इसको थोड़ा समझिए, खाने के कच्चे माल को प्रोसेस करके बेचा जाता है। प्रोसेस्ड फूड की सेल्फ लाइफ लंबे समय तक रहती है। भारत में प्रोसेस्ड फूड की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरल भाषा में आपको समझाएं तो जैसे दूध से खोया और पनीर बनाया जा सकता है, टमाटर से केचप और सूप पाउडर और सॉस, वहीं आलू से चिप्स और अंगूर से किशमिश बनाने की विधि को ही फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है? अगर आपको इसमें भी अब भी समझ में नहीं आ रहा हो, चलो जान, फूड प्रोसेसिंग अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो ये है बुक, ठीक है? इसमें एक सेकेंड, ये बुक मेरी सब इधर की उधर कर दी, बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बुक की पूरी धज्जियां उड़ा दी मेरी। ये बुक है, इसमें सारी चीजें आपको दी गई हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं, उनकी प्रशिक्षण अवधि क्या है, और उसमें जैसे आपका वो बनता है ना, क्या बोलते हैं ये, कि जैसे ये है डिटर्जेंट पाउडर की इकाई हेतु आवश्यक मशीनें, और इसमें कितना बजट है, कितना पैसा है, क्या क्या आपको कहाँ से क्या लाना है, ए टू जेड फुल डिटेल में पूरी इसमें जानकारी दी गई है। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा काम करना है, जो काम में आप इजी और आराम से कर सकते हो। हाँ शुभम पाठक जी, हाय हेलो, ठीक है? ठीक, अब यहां पे आपको यह समझना है कि आप कौन कौन से वर्क करेंगे, ठीक है? पहले नंबर पे आता है ग्रामीण कुम्हारी। इसमें आते हैं आपके जो ग्रामीण क्षेत्र से बिजनेस है, ठीक है? ग्रामीण तेल है, मौन पालन है, खादी व सूत कताई। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कल्चर से रिलेटेड हो तो कल्चर से रिलेटेड आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कल्चर वाले को पहले नंबर पे ये लोग पकड़ते हैं, है ना? गवर्नमेंट जो है, कैसे शुरू कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट? सबसे पहले किस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं उसको चुन लीजिए। मान लीजिए कि अगर किसान आलू की खेती, अच्छा यहाँ पे दो ग्रुप जुड़ेंगे, मैंने आपको पहले भी एक दिन लिखाया था कि एक तो होगा महिलाओं का ग्रुप, यहाँ पे देखिए डबल काम आप कैसे कर सकते हैं, एक आपके पास होना चाहिए महिलाओं का ग्रुप और दूसरा आपके पास होना चाहिए किसान। इन दोनों को मिला के आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, मेरी गारंटी श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, सारा पाप पुण्य मेरा, सवाब अजाब सब मेरा, लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका, पैसे की हेडेक मेरी, माल को बेचने की हेडेक मेरी, मार्केटिंग करने की हेडेक मेरी, पूरी गारंटी मेरी। आपको सिर्फ रेडी करना, मैंने आपके यहाँ पे यूनिट लगवाई, आपको क्या करना है उस चीज को आपने रेडी कराया, उसको कहाँ सप्लाई करना है, कहाँ बेचना है, कोई हेडेक नहीं, आपका माल रेडी हो गया, आपने फोन कराया कि सर माल रेडी है, माल उठ के चला जाएगा, बिक जाएगा, पेमेंट आपके अकाउंट में, कोई दिक्कत, इससे ज्यादा आसानी और नहीं हो सकती, ठीक है? पैसे का और जो कुछ भी है वो सब, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कौन सी चीज चल सकती है। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट कानून के अंतर्गत होना चाहिए,
ये नहीं कि आप गैर कानूनी काम पकड़ लें, अफीम अफीम की खेती और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, फर्नीचर एवं रसायन आधारित उद्योग, ये देखिए, ये सब सब उद्योग दिए गए हैं, पूरा फुल डिटेल में है ये बुक, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, कितना कितना इसमें वो लगेगा, कितने दिन का है, और हाँ एक चीज और, आपको ट्रेनर ट्रेनिंग जो कुछ भी है सब यहीं से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग आपको यहीं से अवेलेबल होगी, बेचना आपको है नहीं, बेचूंगा मैं, ठीक है, मैं हूं ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सारा हेडेक मेरा, आपको कुछ नहीं करना, आपको रेडी करना है, उठा के फोन कर देना है, माल उठ के चला जाएगा। ठीक, मेरे साथ जुड़ने से यही फायदा है कि आपको कुछ नहीं करना। अब मैं पैसे लेता हूं तो लोगों को, हाँ फोन नहीं उठाते हैं हम, मैसेज आ रहा है कि सर आप फोन नहीं उठाते, भैया मैंने पहले ही बोल दिया है कि भैया फोन नहीं रिसीव हो पाता है, मैसेज करा करिए, मैसेज मैंने आपको बताया बड़े लोगों को मैसेज किया जाता है। अब जो आमिर खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ये जो सेलिब्रिटी हैं, इनको फोन करेंगे तो फोन ही रिसीव होगा, इनका क्या होता है, इनको मैसेज किया कीजिए, इन लोगों को मैसेज किया जाता है ना, जितने भी बड़े आदमी होते हैं उनको फोन नहीं करते हैं, वो फोन नहीं रिसीव कर पाएंगे, बड़े आदमी पास इतना टाइम कहाँ कि वो फोन रिसीव करे, है उनके पीए हैं और लोग हैं, तो मैसेज किया कीजिए, मैसेज, फोन नहीं रिसीव हो पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ठीक है, आपको समझना होता है कि उद्यमी और उद्यमिता क्या होती है, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सब पूरा डिटेल में है, उद्यमी उद्यमिता, हाँ, 5 SMS किए हैं भाई साहब आपने, 5 SMS कुछ नहीं होते हैं, यहाँ पे 5 5 साल से लोग लगे हुए हैं लाइन में और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं, शरीर एक है, अकेला इंसान कहाँ कहाँ भागेगा, कितना भागेगा, शरीर से आप कितना काम ले सकते हैं, शरीर की एक क्षमता होती है, 14 15 घंटे 20 घंटे उसके बाद बोल जाएंगे, दाढ़ी वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए, उम्र से 10 साल ज्यादा बड़ा लगने लगा है, सब झड़ गए बाल, ये टकला हो गया हूं मैं, ये विपणन क्या है, ये जो चीजें हैं इनको समझिए। ठीक है, संडे वाले दिन, तो ये दो चीजें आ गई, हाँ, ठीक है, ठीक, तो ये चीज आई समझ में। अब आपको करना क्या है, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, एक तरीके से उस प्रोडक्ट का उत्पादन होगा, आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट के हिसाब से मशीन का चुनाव होता है, मशीन में सावधानी रखें, और इसके बाद यूनिट लगाने की जगह आपको समझदारी से चुनना होगी, उस जगह के आसपास का निरीक्षण करें, ऐसी जगह का चुनाव करें जहां कच्चा माल, बिजली, परिवहन, मतलब लाइट आइट, ऐसे नहीं कि आपने एकदम जंगल में कर दिया, वहां पे आदमी भी नहीं आ पा रहा। ठीक है, मार्केट रिसर्च भी करना होगी, वो आपको नहीं करना है, वो सब हमारी टीम करती है, हम लोग करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये समझिए मेन कि आपको पैसा कितना मिलेगा, मुद्दे की बात करते हैं ना, पैसा पैसा मिलेगा आपको 35% और अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी। सब्सिडी मतलब जानते हैं ना, छूट, जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, अब नहीं मिलती, 10 लाख रुपए तक के सब्सिडी है, मतलब छूट है, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आपको वापस ही नहीं करना है, और 10 लाख रुपए से अधिक के अनुदान, अनुदान जानते हैं ना, अनुदान का मतलब होता है एक बार पैसा मिल गया दोबारा नहीं मिलना, आप चेक भी करा कीजिए। एक चीज और है भाई साहब, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं जो भी चीज बताया करूं, मेरी मेरी सारी बातों पर यकीन मत करा कीजिए, आप लोग चेक करा कीजिए, तभी मैं लिखवाता हूँ, नोट करवाता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ PMFME, अभी मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, उसको थोड़ा चेक करा कीजिए कि यार ये जो बता रहे हैं सही है कि गलत है, ऐसी छोड़ तो नहीं रहे। ठीक है, अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन कहाँ करना है, कौन सी वेबसाइट है, वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने, आपको कैसे और कहाँ से क्या क्या चीजें करना, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो कमेंट में मुझे करके बता दीजिए यस, यहाँ इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ दो चीजें समझ में आई, आपको दो लोगों को पकड़ के रखना है अपने पास, कौन कौन से दो लोग हैं, योजना का नाम समझ में आया, योजना का नाम, योजना का नाम क्या है, PMFME, PMFME स्कीम। ठीक है, संबंधित विभाग कौन सा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पोर्टल का नाम क्या है, हाँ औरंगाबाद से है, औरंगाबाद में भी होगा जी, अतुल सर औरंगाबाद में भी होगा जी, 1 साल से फॉलो अप जी, अरे मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सर नहीं मिल पाता हूँ, समय की थोड़ा दिक्कत रहती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अपने चाहता हूँ मेरे रूप हो जाए 10 वीर, रावण की तरह 10 सर होते हैं, ऐसी 10 मेरे रूप हो जाए, रावण जैसी हंसी तो है, शक्ल भी है,
लेकिन बस रावण जैसे रूप और हो जाए। ठीक है जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, लाभार्थी कौन कौन से होंगे? खाद उद्योगों में स्वरोजगार, आप देखिए यहाँ पे आप अपने यहाँ पे बिजनेस भी दे सकते हैं, आप अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, अब ये 2022 है, इसमें बहुत बेनिफिट है। अच्छा, एक स्कीम से आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। कम से कम मैं आपको ये समझिएगा कि 1 रुपए में 8 अठन्नी कैसे बनाएं, वो चीज मैं दे रहा हूं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, इस स्कीम के उद्देश्य क्या क्या हैं और इसकी शर्त क्या क्या है। इसके पात्रता समझिए, पात्रता क्या है? भारत का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, जो भी आपके ग्रुप में होंगे लोग 30-35, अगर महिलाएं हैं तो काम हो गया आपका, बहुत बेहतरीन काम होगा। ये आवश्यक है कि आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास हो। अगर मार्कशीट की कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए, मैं बनवा दूंगा सर। ठीक है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लेना है, जो व्यक्ति फॉर्मलाइजेशन के लिए इच्छुक है, जो व्यक्ति परियोजना की लागत में 10% का योगदान दे सके और बैंक ऋण प्राप्त कर सके, उसकी टेंशन नहीं है, वो अपने पास है। और एक और चीज नोट कीजिए, FPO। अब यहां पे देखिए, एक पंथ दो काज होंगे, एक तो हम ग्रुप बनाएंगे महिलाओं का जिसके साथ हम ये काम करेंगे, दूसरा हमारे पास होगा FPO। FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम पिछले 1 महीने से बात करते चले आ रहे हैं। फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो उसकी पूरी वीडियो है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी हो, स्वयं सेवा संगठन है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके इस प्लांट को लगा सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप अपना प्लांट लगा सकते हैं, हमेशा के लिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम इनकम होगी आपकी। आपने एक प्लांट लगा दिया, इनकम के लिए हमेशा वहां से सारी चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे रोजगार मिल रहा है, आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक आपने यूनिट लगा दी, 2 यूनिट लगा दी, 10 यूनिट, काम हो गया। 10x सोचना है हमेशा, 10 गुना। ठीक है, मौजूदा सूक्ष्म खाद उद्यम जो कि सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा जांचे गए, वो सब हो जाएगा, उसकी कोई हेडेक नहीं है। ठीक, तो आपको यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आपको दस्तावेज क्या क्या रखना है PMFMI के लिए, दस्तावेज वो सब दे दूंगा, PDF में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, जिस भूमि पर आप अपना उद्योग लगाना चाहते हैं उस भूमि के दस्तावेज की कॉपी, अगर जमीन आपकी नहीं है तो लीज लगेगी, ठीक है, या किराए पे है अगर तो। ठीक, 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक की कॉपी, पुराने उद्योगों के उन्नयन हेतु पुरानी मशीनों के बिल वाउचर। अब यहां पे फिर से काम आएगा हमारा, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आपके लिए मेरा खाता बैंक का, मेरी सारी चीजें मतलब मेरी संस्था, मेरे लोगों की आपके लिए उपलब्ध है। जो मशीनें, भवन या उद्योग आप लगाना चाहते हैं उसके कोटेशन, वो कोटेशन ये हैं इसमें दिए हुए, सारी योजनाओं के कोटेशन दिए हुए हैं एक एक करके। ये विपणन करके है, प्रबंधन, ठीक है, विक्रय, ये आर्थिक सहायता स्वरूप। अब ये देखिए, ये इसका पूरा दिया हुआ, ये स्कीम है, ये रेट है, ये सब दिए हुए हैं कि कौन सी योजना है, कितना उसका पूंजीगत, क्या कार्यशाली रहेगी, कार्यशील, ठीक है, इसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं, मसाला उद्योग है, बी टाइप बेकरी है, नूडल्स इकाई है, पवन आटा चक्की है, पाटरी विद्युत चालित है, उन्नतशील चाक है, ग्लास खिलौना है, बर्तन सफाई पाउडर है, चूना जैसी खोखले ब्लॉक चूना भट्टी है, संगमरमर पत्थर है। अब थोड़े लोग समझेंगे कि भैया इसमें क्या क्या है, तो सब एक एक चीज समझते रहेंगे, एक एक चीज करते रहेंगे। संडे वाले दिन 4 से 5 घंटे का टाइम लेके आइएगा, ठीक है, बहुत है, करीब मैं आपको 50 के ऊपर, 50+ दूंगा। इसमें है बार बार व्यक्तिगत है, बार बार सैलून, धोबी व्यक्ति, पता नहीं कौन कौन से हैं, पेपर मैशी है, पेपर वैंग मेकिंग है, पारिवारिक इकाई टेनरी, मुझे आधे ज्यादा पता भी नहीं है, फुटवेयर है, लेदर गुड्स है, बान बान उत्पादन इकाई है, पता नहीं कौन कौन से हैं, आप देखेंगे कि कौन सा आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, स्थान भी आपको चुनना होगा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, कहाँ कहाँ है उसके हिसाब से। ठीक, तकनीक क्या क्या रहेगी, और सारी चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, सारी ट्रेनिंग आपको फ्री। ये देखिए, ये दिया हुआ है, पूरा पूरा कैलकुलेशन है, ये पूरा सब बना हुआ A to Z, बहुत मेहनत से बनाया है भाई साहब मैंने, इसमें कई नाइट्स लगी हैं, नाइट्स, हाँ बिहार में भी है जी सर, बिहार में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, फॉरेन कंट्री में लगाना चाहेंगे फॉरेन कंट्री में भी लगा सकते हैं आप।
इसमें सब दिया हुआ, पट्टा कैसा होगा, ए टू जेड पूरी कैलकुलेशन, कई रातें बर्बाद करी है मैंने जाग जाग के। तब ठीक है, अगरबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग तो मुझे नहीं समझ में आता है, मेरे मन का नहीं है अगरबत्ती उद्योग। हाँ मेरे मन के ये सब हैं बहुत सारे, अचार अचार वाला है, ये है। अब देखिए, आपको प्रोसेस्ड फूड चाहिए ना, प्रोसेस्ड फूड बहुत सारे हैं, शीतकालीन फल सब्जी संरक्षण ये भी है, टमाटर सॉस केचप अभी हमने बात की थी, अब इसको बनाने का तरीका पूरा है, पूरी विधि है, कितना टमाटर कितना प्याज कितना फला 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 उसका वो है, और उसको कैसे क्या करना है, फिर बोतल कौन सी है, टमाटर जूस है, संतरा स्क्वैश है, अमरूद की जेली है, टमाटर प्यूरी है, हरी मटर की कैनिंग है, डिब्बे एक डिब्बे के लिए, मतलब इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, बहुत बेहतरीन रिसर्च है ये। अगर आप अब छोड़ो, संतरे का मर्मलेड है, बहुत सारी चीजें, ग्रीष्मकालीन है पेठा का मुरब्बा है, आम का मुरब्बा है, आम का अचार है, आम का पना है, बादाम का शरबत है, बेल का स्क्वैश है, लीचिंग की कैनिंग है एक डिब्बे के लिए, फालसा स्क्वैश है, खुशबूदार शरबत, गुलाब खस केवड़ा, गुलाब का शरबत, बहुत सारे, अमरूद की टॉफी है, टमाटर कॉकटेल है, ये इसी स्कीम के लिए सब है। अच्छा ये बहुत आराम से रेडी हो जाते हैं, इनमें कुछ भी नहीं लगना, लेडीज हैं 30-35 वो ही बनाएंगी, आपका माल रेडी, बेचने की मेरी गारंटी, आपको बेचने की हेडेक नहीं, क्योंकि बेचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, यस और नो, जरा कमेंट में मुझको बताइए, बेचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कितने लोगों को लगता है, कितने लोग फेवर कर रहे हैं, बोलेंगे यस, देखें जरा लिखें, बेचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लिखिए यस कमेंट में, जो लोग अग्री कर रहे हैं, जो लोग अग्री कर रहे हैं वो लिखिए कमेंट में यस नो। अरे वाह मनीष कुमार सल्यूट, मनीष कुमार को भी पकड़ेंगे बेचने के लिए, कहेंगे आओ बेटा तुम भी बेचो, अरे वाह ये फ्रॉम इंडिया, ये इन लोग को पकड़ेंगे, योगेश कुमार भी, ये लोग जो कह रहे हैं ना नो, इनसे कहेंगे बेचो अपना माल खुद, है ना, इनसे कहेंगे बेचो, तब देखेंगे कितना बेच पा रहे हैं ये, है ना, अभी तो बोल रहे हैं पंगा पंगा ले लेंगे, बाद में लगेगा फिर, ठीक है। आंवला मुरब्बा, कटहल का अचार, पता नहीं क्या क्या है, ये सब वर्षाकालीन फल है, ये जामुन का स्क्वैश है, मिक्स जैम है, अनन्नास सेब है, करौंदा है, ये सब सेब की टॉफी है, फिरोज कुरैशी वो भी कह रहे हैं, हाँ कोशिश करने वालों की, अरे वाह आसिफ साहब, अरे वाह दिल जीत गया भाई मेरा, आपके लिए दिल से सल्यूट। इन्होंने इन्होंने भैया अमिताभ बच्चन का बहुत गाना सुना है मैंने, और यही नहीं बहुत सारे गाने सुनता हूँ मैं उनके, ठीक है। मधुमक्खियों के लिए मौन पालन उद्योग है, बहुत सारे, मतलब जो इनके लिए एक्सेप्ट होंगे, जो यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे वो सब है। आपको क्या क्या चाहिए, कितनी कितनी उसकी लागत होगी, कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है, ठीक है, ये बुक जिनको चाहिए होगी मिल जाएगी, इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए मात्र, ठीक है। अब लोग अक्सर बोलते हैं सर आप पैसे के बारे में बहुत बात करते हैं, भैया बिना पैसे के कुछ नहीं होता है मेरे भाई, है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं बहक जाता हूं इधर से उधर, चलो ठीक है, ठीक ये हो गया, इतनी चीजें यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो लिख दीजिए कमेंट में यस। किसानों को पकड़ेंगे, किसानों का ग्रुप बनाएंगे, महिलाओं से काम कराएंगे, एक ही घर के दो लोगों को हम यूज कर लेंगे, और बहुत अच्छे से, मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक गांव पकड़ लिया हमने, वहीं के किसान हैं, वहीं की औरतें हैं, उन्हीं से वो ही घर के जो औरतें हैं उनका ग्रुप बनाया, और जो किसान है वो जाएंगे उसमें किसमें, एफपीओ, क्या बताया था, फार्मर भूल गए, एफपीओ फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों की बनेगी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग, देखिए किसानों का संगठन एक अलग बनेगा, औरतों का संगठन एक अलग बनेगा, दो संगठन बनाएंगे लेकिन काम एक ही करेंगे, और पैसा लेंगे दो जगह से, समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े हम, कोई अगर बोल रहा हो किसी को समझ में आया हो ना आया हो तो बोले यस, समझ में जिनके ना आया हो, आगे बढ़ूं मैं बाद में फिर फोन करके बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बताया, जल्दी 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 बड़बड़ बड़बड़ बता दिया आपने। अब वेबसाइट आप है, वेबसाइट आप देखिए, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है, शेयर स्क्रीन कहां गई स्क्रीन, ये हाँ, वैसी ही है जैसी स्कीम होती है, स्कीम सब एक जैसी होती है पर हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ ये है थोड़े से, ये बाद में करूंगा मैं आपके साथ में शेयर, अरे यार
क्या क्या खुल जाता है। अभी भैया चला नहीं पाते मोबाइल, ये कौन आ गया। हाँ ये है, एक तो पहले नंबर पे आपको समझना होगा, ये तो नहीं दिक्कत कर रहा है, तो मिनिमाइज कैसे करूं मैं, स्क्रीन मेरी दिख रही है तो वही है। कहाँ गए जी? ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है ठीक। अगर स्क्रीन ना दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, ये डाउनलोड है, ये भी मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ये स्क्रीन दिख नहीं रही होगी बहुत सारे लोगों को, कॉपीराइट आ रहा है, वो बाद में मैं शेयर कर दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी। ठीक है, ये दो चीजें ये ध्यान रखनी है, NSFDC, योर स्क्रीन इज शेयरिंग पॉज्ड, स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही है। चलो कोई नहीं, वो दूसरी वाली में शेयर कर दे रहा हूं, वो वाली नहीं हो रही। ठीक, अब ये तो हो रही है, योर स्क्रीन इज शेयरिंग, ये शेयर हो रही, वो वाली हो नहीं रही है, उसको मैं अलग से दे दूंगा, वो वहां पे कॉपीराइट का कुछ इशू आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हाँ ये दो तीन ग्रांट हैं, फंडिंग बाय यूथ, और यूथ है एक, ये वेबसाइट है ग्लोबल करके है, एक ये है लाइव दिखा रहा हूं, देखिए ये अभी मैं अपने वो कर रहा हूं अपने हैंड से, ये चालू है, एक ये है ठीक है, और एक ये है। चार जगह है, यहां पे अप्लाई करिए, यहां से लीजिए पैसा, कितना कितना क्या क्या पैसा मिल रहा है वो देखिएगा। यहां पे मिलेगा आपको इक्विटी फ्री फंड, मेंटरिंग एक्सेस, ये कितना है, ये $1,00,000 USA। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं आप, ये मैं दे दूंगा आपको सब। ठीक है, एक ये है वेदांता, एक ये है महिला एवं बाल विकास प्रोजेक्ट है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, टिक। ये इतना हुआ आज का, तो हमने बात की आज आपसे दो चीजों की, ठीक। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करने हैं वो आप रेडी करिए और कॉल कीजिए, इसका लाइव संडे को दिखाऊंगा क्योंकि टाइम अप हो रहा है। स्कीम में आवेदन करना चाहते हो तो वेबसाइट है इसकी, PMFME.MOFPI.GOV.IN। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो क्वेरी हो कोई डाउट हो तो फोन आप मुझे कर लीजिएगा, आज छोड़ के कल करिएगा, और कल जो भी आपके डाउट होंगे बाकी डिटेल आज मैं सब आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो दो चीजें बाकी, ये बुक अगर जिनको चाहिए होगी, हाँ महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह भैया, ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिनको ये बुक चाहिए होगी बुक मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक डिटेल और सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके बाद आप विचार करिए पहले आराम से, कहीं पे कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो। हाँ लिंक भेज रहे हैं, लिंक भेज देंगे और इसकी पूरी डिटेल भेजूंगा। अच्छा ठीक, एक चीज और जाने से पहले एक और गिफ्ट, बहुत अच्छा। हाँ कोई आपको प्रोसेस हो ना हो कोई मतलब नहीं है भाई, हम है ना, आप मेरे ऊपर तलवार चलाओ, आप मेरा जिगर आजमाओ, आप मेरे ऊपर वार कराओ, मैं हूं, मुझे मुझे मारो, हिट मी मैन, मेरे ऊपर रन ओवर मी, आप मेरे ऊपर चढ़ाई करो, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चढ़ाओ, मेरे कंधे पे रख के खड़े हो जाओ, मैं आपको अपना कंधा दे रहा हूं, अपनी गर्दन दे रहा हूं,
मैं आपको अपना सीना दे रहा हूं, मेरे सीने पे खड़े हो जाओ, मेरी पीठ पे खड़े हो जाओ, मेरे पीठ को पायदान बना के मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। मैं मिशन पे हूं, मुझे 2 लाख संस्थाओं को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ये मैंने उस दिन सोचा था जिस दिन मैंने अपना काम शुरू किया था और मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी, बहुत परेशान था। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि जिस दिन मैं कहीं पे भी पहुंचा किसी भी लेवल पे, तो फिर भाई मैं ये वापस करूंगा, रिटर्न करूंगा। और आपसे भी वादा करता हूँ, और आपसे भी वादा लेना चाहता हूं कि आप भी अगर जहां कहीं पे पहुंचे तो इसको सोसाइटी को वापस बैक करिए, ठीक है। एक और चीज, जाने से पहले 2-3 चीजें मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ। एक है राष्ट्रीय महिला कोष, इसमें भी हम वर्क कर रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला कोष है, और एक है ये पीएमएफई करके, और एक और है स्कीम, मैं नाम भूल गया उसका, मिस हो गई। संडे वाले दिन जो 4 से 5 घंटे का हमारा जो प्रोग्राम है, उसमें विस्तार से डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है। आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, नहीं है, नहीं तो हम आपस में मिलके, तभी मैं कहता हूं आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहें मिलके कर लें, आप अपना अलग करना चाहें अलग कर लें। आपको अलग करना होगा तो मैं सारी चीजें दे दूंगा, आप उन चीजों को सारा तैयार करिए, फाइल रेडी करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे आपको बनाना है, A to Z। अधिकारी, वेबसाइट, लिंक, उनके नंबर, एड्रेस, पर्सनल विजिट, सारी चीजें मैं करवा दूंगा, सब कुछ सेटिंग A to Z सब मैं करवा दूंगा। आप अपना अलग कर लीजिए और मुझे इसमें कोई शेयर नहीं चाहिए, पहली चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड है, हाँ ठीक है, भेजी है पर, हाँ, ठीक, हाँ ठीक है, होता है होता है, बाद में बात कर लेंगे, सारी पर्सनल जो भी बातें हैं वो बाद में, ठीक ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सारा हेडेक मेरा, सारा पाप पुण्य मेरा, बेचूंगा मैं सब कुछ मैं, प्रॉफिट आपका, लॉस मेरा, ठीक। इंटरनेशनल लेवल तक पे मार्केटिंग होगी, और मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, मार्केटिंग गवर्नमेंट कराती है, आपको मार्केट घूमना होती है। और इसके लिए आपको समझिए, देखिए मेरे क्या है, मेरे पूरे भारत में कॉन्टेक्ट है, पूरे भारत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें भेजने में दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास है एक नेटवर्क। तभी मैं कहता हूँ नेटवर्क बहुत जरूरी है, मेरे पास इतने लोग हैं कि मैं उनसे बोल देता हूँ भाई साहब ये है, वो फटाफट फटाफट काम हो जाता है, हेल्पफुल लोग है, क्योंकि उनकी हेल्प हुई तो इसलिए वो भी हेल्प करते हैं रिटर्न में। पूरे भारत में आप जहां चाहोगे जो चाहोगे वो हो जाएगा, क्योंकि अपने पास नेटवर्क बहुत मजबूत है, अपने पास बंदे बहुत मजबूत हैं, काम के बंदे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखते हो आप सब जुड़े ही हैं जी। पैसे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लगेंगे, जीरो, नथिंग, कुछ नहीं लगना है भाई, कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं लगेगा। ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने बोला ना आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए, हाँ भेजते अभी सब सब भेजेंगे, मैंने अभी बोला, और डिटेल में आपको भेजूंगा तो उसको थोड़ा पढ़िएगा, जब पढ़ लेंगे तो फिर से आप बात करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन नहीं होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।